एकदम एस्थेटिक एरा में बैठ के प्रांजल भट्ट बुक पढ़ रही है। ओ प्रांजल भिनपणी मैंडेटरी है ले ले कानी निकाल दे रुद्रा की मैं समझ गया ने तेरे मस्त हेलो जी नमस्ते मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आई एम ध्रुवी भट्ट। तो आज है दिवाली से 4 दिन पहले का दिन और हम लोग जा रहे हैं सजोद। आई थिंक 1 साल के बाद हम प्रॉपर रहने जा रहे हैं वहाँ पे कुछ दिनों के लिए। और पापा और बा चले गए हैं कार में क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था तो सब कुछ लेके तो जा नहीं सके, या तो सामान आएगा या तो हम आएंगे, तो वो लोग चले गए और हमें प्रांजल और मम्मी जाएंगे। ट्रेन में रिजर्वेशन करवा दिया है, 10 बजे की ट्रेन है, अभी बजे है 9, अभी उबर मंगवाते हैं और फिर चलते हैं स्टेशन। बाय। क्या ही बकवास सीरियल चल रही है भाई यहाँ पे, पता नहीं कौन सी सीरियल है ये, बहुत ही ज़्यादा बकवास। और क्या ओवर एक्टिंग कर रही है लड़की भाई, ये मम्मी मुझे लेके देख रही है। अभी हम लोग आए हैं नवरंग में और हमारी ट्रेन 1 घंटे लेट थी, तो ऐसा टाइम है कि यहाँ कुछ खुला नहीं है भुवनेश्वर में और हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम नवरंग में खा रहे हैं। नवरंग में पहले तो सिर्फ चाट और वो सब खाया, मुझे नहीं पता यहाँ और कुछ भी मिलता है, तो चाट तो खाया है लेकिन यहाँ गार्लिक ब्रेड और वो सब भी मिल रहा है तो आई एम हैप्पी। और अभी ऑर्डर करते हैं हम फूड और खाते हैं। अंकलेश्वर में आके बहुत खुशी हो रही है क्योंकि अपना शहर होता है। बेचारी बहुत सैड है क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा है यहाँ पे। अभी हमने सिर्फ चाट मंगवाई है क्योंकि इसको भरोसा नहीं हो रहा है, इसको बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है कि यहाँ का खाना अच्छा होगा कि नहीं। अच्छी है। राज कचौरी भी आ गई हमारी और प्रांजल की फेवरेट है राज कचौरी और ये बहुत अच्छी है भाई। नवरंग की चाट को कोई बीट नहीं कर सकता, ये तो मैं बोल सकती हूँ भाई। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ पे, मैंने चाट के साथ कॉफ़ी मंगवा ली। अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैंने दही दूध सब कुछ मिक्स कर दिया, इसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा इसके साथ। सेम टू सेम इसका भी, लेकिन ये मैं घर लेके जा सकती हूँ, ये घर लेके नहीं जा सकती, इसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा मुझे कॉफ़ी का। ये वही है जो जिसको हमने बोला था राज कचौरी, यही राज कचौरी को हमने खा लिया है पूरा। हमने नहीं, सिर्फ मैंने मैंने खाया है। प्रांजल स्टार्टिंग का राज कचौरी का सब कुछ खा लिया, फिर ये सब मुझे खाने दिया, मेरा पेट भर गया। मेरा पेट भी भर गया। नहीं पूरी साड़ी मैंने खाई, तूने 2 ही खाई है। दो पांच आई थी, तुमने 3 ही खाई। 3 हमने खाना खा लिया है, हमने इतना पेट भर के खा लिया है। हमने सैंडविच जो मंगवाया था वो पैक करवा लिया है क्योंकि अब हमसे खाया नहीं जाएगा। हमने उस सैंडविच में इतना भी नहीं खाया, सिर्फ सैंडविच के ऊपर जो चीज़ डाल के दी थी उतना ही चीज़ खाया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मम्मी के पास, वहाँ जाके फिर एक स्पेशल रिक्शा करवानी, ऑटो करवानी पड़ेगी सजद के लिए, तो चलते हैं। और आपको घर जाके कुछ और दिखाते हैं। चल आफ्टर 13-15 ईयर्स बाद ये इंसान छकड़े में बैठी है, उसको इतनी सी जगह में, इतनी सी लिटरली इतनी जगह, इतनी कहीं के मारा हाथ आई रोको इतनी। और अभी मेरा एक पैर तो ऐसे निकला था। हमें स्पेशल रिक्शा मिली नहीं, यहाँ पे छकड़े में जा रहे हैं और फिर वहाँ से चल के जाएंगे घर, इतनी धूप है। पहुंच गए हमारे गांव, मतलब गांव तो पहुंच गए लेकिन यहां से चल के हमारे घर जाना है। ध्रुवी ओ प्रांजल भिनपणी भाई भिनपणी ने तू
हमें चल के जाना है, 1-2 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से, और दोपहर के बजे 1:35। हाँ मतलब इतनी भी गर्मी नहीं है, अगर अगर 3 बजे होते तो ज्यादा होती। बहुत साल के बाद चल रहा है ये रोड, 15 साल के बाद, और मैं तो लास्ट अलोहा के टाइम चल के आती थी। हाँ तो ये जब छोटी थी प्रांजल तब हम लोग तो हम लोग यहाँ सजोधी रहते थे, अंकलेश्वर नहीं रहते थे, तो प्रांजल को हर वीकेंड पे जाना होता था अलोहा, वो भी दोपहर के 2 से 4। हाँ तो फिर ऐसे यहाँ से चल के जाती थी, यहाँ से छकड़ा पकड़ती थी और फिर जाते थे दोनों, मम्मी और प्रांजल दोनों, और फिर आते थे। तो ये तो हम बचपन में करते थे, फिर हम लोग चले गए, बूढ़े हो गए, फिर हम चले गए नडियाद। तो नडियाद के बाद जब हम यहाँ आए नहीं सजो, मतलब आते थे लेकिन वैकेशन या वीकेंड वैसे तो कार में ही आते थे हम तो यस हम बहुत सालों के बाद चल रहे हैं यहाँ पे। एक तो बहुत दुख है हमें क्योंकि हमारे पास वाईफाई नहीं है और यहाँ पे जियो का नेटवर्क आता नहीं है। अच्छा जियो का नेटवर्क यहाँ अच्छा आता नहीं है, मतलब हमारे घर में नहीं आता, बाकी बाहर निकलो तो आता है। ये रहा टावर देख ले। हाँ ये रहा टावर, दिख रहा है आपको, ये है हमारा घर। पहले से पक्का मकान नहीं था, पहले कच्चा मकान था, और अभी हमने मतलब अभी तो नहीं 3-4 साल पहले हमने रिनोवेट करवा दिया। मैं एकदम अच्छे ठंडे पानी से हाथ मुँह धो लिया है, मैं अच्छी फ्रेश हो गई हूँ, यहाँ घर में ठंडक भी है थोड़ी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल हो गया मेरे यूट्यूब स्टार्ट करके, मैंने कभी भी यहाँ पे व्लॉग नहीं किया, एक शायद वीडियो होगा छोटा सा, तो मतलब वो भी शॉर्ट्स में, वो भी मेरे कज़िन के साथ मैं खेल रही हूँ तब। तो इस बार तो बहुत सारे व्लॉग आएंगे दिवाली के, बहुत मज़े करेंगे हम। बस यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जियो के नेट से या जियो के उससे मैं मतलब अपलोड करूँगी तो यहाँ लॉन्ग फॉर्म वीडियो तो नहीं जाएगा, शॉर्ट फॉर्म वीडियो जा सकता है, तो लॉन्ग फॉर्म वीडियो मुझे वडोदरा जाके एडिट करके ही रखना पड़ेगा। अब अच्छे अच्छे वीडियो तो मैं ले लूँगी, व्लॉगिंग भी कर लूँगी, लेकिन भगवान करे मुझे मोटिवेशन दे दे कि मैं वडोदरा जाके इसको एडिट करूँ। अगर मैं एडिट नहीं कर पाई तो आपको ज़िंदगी में ये व्लॉग कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था कि दिवाली में मैंने व्लॉगिंग की थी लेकिन मैंने व्लॉग कभी अपलोड ही किया नहीं। लास्ट दिवाली में हमने दिवाली सेलिब्रेट ही नहीं की थी, लेकिन इस बार तो हम मज़े करेंगे। यस करेंगे हम मज़े, अभी कितने मज़े हो जाए, भगवान करे नज़र ना लग जाए मुझे मेरे दिवाली में। लेकिन चलिए आपको कुछ और भी दिखाना था, वो मैं प्रांजू के साथ बैठ के दिखाती हूँ। चलिए हमने ये सारी चीज़ें ली है जहाँ हम खाने गए थे, ये बहुत मुझे डांट रही, ये एक्चुअली प्रांजू मुझे वहाँ इतना डांट रही थी कि ध्रुव मत ले ये छोटी छोटी चीज़ें। हाँ तो ये है एक्चुअली लिपस्टिक कुछ है। पहली बार नवरंग में हम खाने के, जब हम बहुत छोटे थे शायद मैं ही थर्ड या फोर्थ में थी, हाँ तब तो पता नहीं कौन सी ब्रांड कौन था, कुछ भी खा लेते थे हम, लेकिन इस बार हमने थोड़ा वो ब्रांड वाला लिया। इसकी जो लॉटी चोकोपाई आती है, इसकी लॉटी चोकोपाई आती है भाई, हाँ तो ये लिया है। और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, और पहले हमने खाया था कौन सा था, ऑरेंज फ्लेवर, यस तभी तो हम एक में से ही खा लेते थे लेकिन इस बार तो हमें 2 ली है। अभी हम ये चुपते हैं मुझे पता था कि घर जाके मुझे पढ़ने वाली है इसके लिए, क्योंकि मैं बेफिजूल के खर्चे करती हूँ इन सब पे, मेरे अकाउंट में पैसे रहते नहीं है, और पेमेंट छोटी बहन से करवाती है। हाँ तो क्या हुआ, इट इज़ द नेक्स्ट डे और हम लोग आए हैं मेरी दीदी के घर, तो मिलते हैं आज दीदी से और जिया से, रुद्रा 12 बजे आएगी तो यस। प्रांजू हाय, सॉरी प्रांजू को लेना भूल जाती हूँ व्लॉग में, तो उसका चैनल है ना। हाय बहु दीदी, हाय हाय अनुभव, हाय जिया। हाय तो रुद्रा 12 बजे आएगी, उसका लास्ट एग्जाम है, तो
हम लोग पूरे एक घंटे या डेढ़ घंटे बाहर शॉपिंग करके आए, थोड़ी रंगोली के कलर ले रहे थे और कुछ एक वीडियो मुझे बनाना है, लेकिन वो वीडियो आएगा दिसंबर में, तो उसके लिए भी मैंने अपनी जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ले ली, क्योंकि वो किसी के लिए गिफ्ट है तो मैं बताऊँगी नहीं, लेकिन सारी चीज़ें तो मैंने ले ली, तो अभी से बनाना स्टार्ट करूँगी तो मैं दिसंबर तक बन पाएगा वो। तो अभी रुद्रा का वेट कर रहे हैं हम लोग। हाँ खबर अच्छा मन है। सो हमारे प्लेट डन है, भाखरी आलू की सब्जी, ये क्या है कोपरा बाग मतलब कोकोनट की मिठाई है, ये है मोहन थाल और खमण इदड़ा। तो खमण ढोकला इदड़ा अलग अलग होता है, ये खमण है और इदड़ा है। एकदम एस्थेटिक एरा में बैठ के प्रांजल भट्ट बुक पढ़ रही है। लैम्प और प्लांट भाई और उसकी बुक बस, और एक साइड सॉन्ग। सो अभी बजे है शाम के 7 या रात के 7, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो मैंने व्लॉग बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि हम इतनी मस्ती कर रहे, सॉन्ग गा रहे थे, सॉन्ग सुन रहे थे या हम डांस कर रहे थे, हम बहुत मस्ती की। एक बातों में इतना टाइम चला गया कि पता ही नहीं चला। मैंने एक शॉर्ट एडिट किया फिर बैठ के, क्योंकि इस जो वाईफाई है नहीं, यहाँ वाईफाई था तो यहाँ शॉर्ट एडिट करके अपलोड कर दिया, जो अभी 8 बजे जाएगा। अभी हम लोग आए हैं खाने यहाँ पे तुलसी स्क्वायर पे। बहुत दूर जाना था नहीं क्योंकि पापा लेने आएंगे थोड़ी देर में, तो हम GIDC जा सकते थे लेकिन हम नहीं गए। और प्रांजु यहाँ खड़े होकर बस मुझे देख रही है ब्लॉगिंग करते हुए। तो तुलसी स्क्वायर पे ऐसे कोई ऑप्शन है नहीं खाने के, लेकिन अभी एक जगह है यहाँ पे, हेलियोज लिखा है, हेलियोज। फिर रुद्रन बोला है कि खा सकते हैं हम, तो खाएंगे और फिर पापा लेने आएंगे। पापा पता नहीं कितने टाइम तक लेने आएंगे। प्रांजु अच्छी लग रही है, ऐसा लगती है। और ये रुद्रा ने मुझे गिफ्ट की थी मेरे बर्थडे में, सवाना की ना, ले ले कानी निकाल दे ना। यह ध्रुति, इसको मिलवाना भूल गई थी मैं। ये रुद्रा की बेस्ट फ्रेंड है, तो हम सब भी जाते हैं रुद्रा के साथ तब ध्रुति साथ में होती है, या फिर ध्रुति के साथ मतलब जाते हैं तो हम, मैं समझ गया। यही था मेरा आज का व्लॉग। आपको अगर पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू। बाय बाय।